अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोग सोच रहे होंगे। तो अभी हम लोग निकले हैं मायके जाने के लिए। मतलब आज का जो प्रोग्राम था क्या बोलते हैं राशि का खाना गौरी का, तो वो भी हो गया, सब कुछ हो गया। हमारे पड़ोस में ही था तो वहाँ पर हम लोग गए थे खाना खाने के लिए। वहाँ से आए फिर टाइम पर डिसाइड हुआ कि चलो जाते हैं, क्योंकि पहले से ये था कि हम लोग महालक्ष्मी पे जाएंगे, वो नहीं हो पाया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा था कि राशि के प्रोग्राम में जाएंगे, वो भी नहीं हो पाया। तो बच्चे नाराज हो गए थे, तो हमने सोचा कि चलो बच्चों को लेके जाते हैं वहाँ पे और थोड़ा सा वहाँ पर मिल लेंगे सबसे, तो और अच्छा लगेगा। और ये यहाँ पर आप लोगों ने इतने सारे अच्छे अच्छे विशेष किए गाइस कि इनका बर्थडे और भी ज्यादा अच्छा हो गया है इस बार। थैंक यू सो मच गाइस, इनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी थैंक यू सो मच। आपने इतना मेरा बर्थडे स्पेशल बनाया और इतने प्यारे प्यारे विशेष दिए। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे घर जाने के बाद। अभी अंधेरा हो गया है, मतलब अंधेरा होने ही वाला है अभी, क्योंकि कितने बजे 7 बज गए हैं। 7 बजे हम लोग निकले हैं और घर से ही अभी निकले हैं, तो वहाँ पर 2 घंटे में 2.5 घंटे में पहुँचेंगे। उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइस पहुंच गया है घर पे, और घर पे पहुंचते ही ना तो सबने तैयारी करके रखी थी। मतलब तैयारी में जैसे कि केक वगैरह ला के रखा था भाई ने, और सब लोग रेडी थे हमारे लिए। हम लोग का ही वेट कर रहे थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था ऑलरेडी। मतलब हम लोग लेट निकले थे घर से, और लेट इतना ज़्यादा हो गया था 8:30 पौने 9 बज गए थे घर पे आते आते, और सब लोग वेट कर रहे थे हमारा ही। और आज इतने सारे लोगों के साथ इनका बर्थडे सेलिब्रेट होगा, क्योंकि हमने सोचा था कि घर पे थोड़ा सा करेंगे, बाहर वगैरह खाना खाने के लिए जाएंगे और ये वो, बट यहाँ पर आने के बाद तो और भी अच्छा लगा। यहाँ पर बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हुआ गाइस, और केक तो इतना ज़्यादा टेस्टी था। मैंने जो ऑर्डर किया था ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी था ये वाला केक। इन्होंने ऑर्डर दे के नहीं बनवाया था, ऐसे ही वहाँ से, क्योंकि टाइम पर मैंने बताया। वहाँ से निकलने के बाद आधे घंटे के बाद मैंने घर पर कॉल किया था, उसके बाद बताया। और यहाँ पर जीजू लिखा है, भाई ने केक लाया था, और रेड वेलवेट केक था। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक था यार। मैंने जो लाया था ना, मुझे लगा था कि रेड वेलवेट लेना चाहिए था उस टाइम, क्योंकि इतना ज़्यादा पसंद आया मुझे ये वाला केक। पता नहीं अलग अलग टेस्ट होती है हर जगह की, बट यहाँ पर जो जहाँ से भाई केक लाता है ना, तो वो बोल रहा था कि वहाँ के केक बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है इसी वजह से, नहीं तो हर जगह का नहीं रहता है केक का भी। रेड वेलवेट हो या दूसरा कोई केक हो, हर जगह का टेस्ट अलग होता है। यहाँ पर ऑक्शन चल रहा है और इतने सारे लोग थे। आज मैं वहाँ पर होती तो मैं सिर्फ अकेले टीका लगाती और अकेले इनका बर्थडे सेलिब्रेट करती, बट यहाँ पर आई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सब लोग थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। इनको भी अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद, बट वो क्या है ना कि ड्यूटी की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं भी सोचती हूँ यार, मुझ पर भी इतना ज़्यादा प्रेशर है वीडियोज़ और इसका, और घर का भी संभालना पड़ता है, तो इसकी वजह से 1-2 दिन के लिए आना है और फिर क्या जाना है, इसी वजह से मैं सोचती हूँ। बट बच्चे बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहे थे। अद्विक और माही तो रोने ही लग गए थे, इस वजह से निकलना पड़ा। अद्विक तो बात ही नहीं कर रहा था किसी से यहाँ पर आने के लिए, तो इसी वजह से मैंने फिर सोचा कि चलो जाने दो बच्चों की खुशी के लिए। फिर हम लोग निकल आए, ये भी बोल रहे थे कि चलो जाने दो चलते हैं। और एकदम पास भी नहीं है ना, जैसे पास होता थोड़ा सा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जल्दी से जाके आ जाते। बट यहाँ पर 2-2.5 घंटे का रास्ता हो जाता है। मेरा ससुराल कितना पास है, मतलब 8 घंटे का रास्ता है, तो वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं लगता है जाने के लिए। जल्दी से हम लोग जब भी मन किया तब हम लोग निकल जाते हैं, वहाँ से मिल के आ जाते हैं। बट यहाँ पर कैसा है, थोड़ा सा सोचना ही पड़ता है। 2.5 घंटे का रास्ता पड़ जाता है, उसमें फिर यहाँ पर आओ तो रहने का मन करता है। जैसे अभी देखो, यहाँ पर 1 दिन के लिए आई मैं, फिर भी अभी सब लोगों का मन कर रहा है कि यहाँ पर रुकूँ और 2-4 दिन रहूँ यहाँ पे मैं। बट ऐसा है ना कि इनकी ड्यूटी की वजह से ही प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं तो मेरा क्या है, मैं तो रुक जाऊँ। बट वही प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से सब लोग नाराज़ हो जाते हैं फिर जब भी हम लोग आते हैं और चले जाते हैं 1 ही दिन में। तो बस यहाँ पर सब लोग ऑक्शन कर रहे हैं इनका। सब लोगों का ऑक्शन हो जाने के बाद फिर ये केक कट करेंगे, तो यहाँ पर आई है केक कट करने के बारे गाइज। अभी देखो, ये मुझे चिढ़ा रहे थे एक्चुअली। अंगूठी दी थी ना मैंने अपने गोल्ड की ऑक्शन करने के लिए, इसी वजह से मुझे चिढ़ा रहे थे कि ले भी ली अपनी अंगूठी। हो गया है फाइनली केक कट। अगर थोड़ा सा जल्दी आते ना तो हम लोग बाहर जाते, कहीं सेलिब्रेट करते, बट बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था ना, तो इसी वजह से कहाँ बाहर जाने का मज़ा भी नहीं आ रहा था। और कुछ भी नहीं, तो घर पे ही बस केक कट किया और उसके बाद कुछ नहीं खाना वगैरह घर पे खाया। और कैसा है कि हम लोगों ने पहले वहाँ पर डिसाइड किया था कि हम लोग वहाँ पर बाहर जाएंगे, थोड़ा सा मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बट वहाँ पर जाते ना तो इतना मज़ा नहीं आता जितना यहाँ पर सिर्फ केक कट करने में मज़ा आ रहा है। बट वो भी होता है कि फैमिली के साथ एक मज़ा अलग ही होता है। और यहाँ पर बस सारी फैमिली बैठी है, देखो सारी मेरी बड़ी मम्मी की बेटी और बहुएँ, दोनों सारी बहुएँ साथ में आती है ना, मिलती है इस बार तो। मतलब गौरी के टाइम पे सारे लोग साथ में मिलते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ पे ऐसा है कि जॉइंट फैमिली जैसे ही है ना, भले ही घर अलग अलग हुए हो बट फैमिली अभी भी एक ही है। तो इसी वजह से हम लोग जब भी साथ मिलते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर ये दूसरा दिन है गाइज, उस दिन फिर मैंने शूट नहीं किया ज़्यादा। तो ये दूसरा दिन है गाइज, यहाँ पर गौरी का निकालना चल रहा है। एक्चुअली गौरी को खड़ा ही रखते हैं हमारे यहाँ पे, सिर्फ उनकी थोड़ी सी गर्दन हिला देते हैं, जैसे कि उठा दिया वैसे। और सब लोगों के दर्शन हो जाता है ना, तो इसीलिए फिर राशि के खाने तक ऐसे ही खड़े ही रखते हैं। फिर दूसरे दिन निकालते हैं। तो राशि के खाने का दूसरा दिन था, तो सब कुछ उनकी ज्वेलरी वगैरह एक साथ एक बॉक्स में रख रहे हैं, उनके मुकुट एक जगह पे एक बॉक्स में रखते हैं, उनके फिर हाथ और वो एक साथ रखते हैं। तो ऐसे रख देते हैं जहाँ पर किसी का हाथ ना लगे, मतलब एक जगह पे सज्जे पे रख देते हैं उन्हें, और उसको हाथ ना लगे, धक्का ना लगे, कुछ टूटे फूटे ना, तो इसी वजह से ऐसे ऊपर रख देते हैं। और इसीलिए सब कुछ धीरे धीरे से आराम आराम से और सब कुछ अच्छे से करके रख दे रहे हैं। कल्याणी यहाँ पर मम्मी की हेल्प कर रही है क्योंकि अभी उसे भी सीखना है ना, बड़ी बहू है वो यहाँ पे, और उसे भी थोड़ा थोड़ा सीख रही है वो घर के रीति रिवाज कैसे होते हैं। तो सब कुछ अभी इसी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही है इस पर। तो यहाँ पर बस वही चल रहा है गाइज। मम्मी, बड़ी मम्मी हैं अभी तक, तो बड़ी मम्मी और मेरी मम्मी इन लोगों ने मिलके किया। अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे कि कल्याणी हुई, दीपाली हुई, फिर मेरी बड़ी भाभिया हुई, इन लोगों को बाद में करना है। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं एक एक करके। यहाँ पर आरती होने के बाद हम लोग लग गए खाना बनाने के लिए। एक्चुअली यहाँ पर भाभिया बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो बड़ी भाभिया बना रही थी तो आज मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी का चूड़ा, और जो रोटी का चूरमा बोलते हैं, कोई कोई चूड़ा बोलता है। तो ये तो कैसा है कि कल का जो प्रोग्राम था उसमें जो रोटियां बची थी, बहुत सारी रोटियां बची थी, तो इसी वजह से उसी का चूड़ा बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर खट्टा बेसन बनाया है, वो भी मैंने ही बनाया था। आज मैंने सोचा चलो अपने हाथों से ही सबको खिला देती हूँ बनाया हुआ। और ये जो राइस था उसको फ्राई किया था, तो इधर फ्राइड राइस भी बनाया हुआ था। तो यहाँ पर सब कुछ ये मैं रेडी कर रही हूँ, फिर हम लोग खाना खाने बैठेंगे। आज सब कुछ भाभिया थोड़ा सा काट वाट के देने के लिए हेल्प कर रही थी मेरे, और मैं यहाँ पर बना रही थी। तो सब कुछ आज भाभियों को अपने हाथों से बना के खिलाया। वैसे मैं मायके आती थी कुछ भी काम नहीं करती हूँ, भाभिया मुझे काम नहीं करने देती, बट सारी बड़ी भाभिया कर रही थी तो मुझे लगा चलो इनको आराम देते हैं थोड़ा सा। तो इसी वजह से वो थोड़ा सा काट वाट के देने में हेल्प कर रहे थे और मैं बना रही थी। तो सब कुछ बन गया था, रोटी का चूड़ा और ये वो, तो सारी चीज़ें। रोटी का चूड़ा ही बहुत ज़्यादा बना था ना, तो आज खाना ही बनाना नहीं पड़ा, बस यही खाना था हमारा आज। और वैसे बहुत मज़ा आता है जो प्रोग्राम होता है ना, उसके बाद बहुत मज़ा आता है। जो कद्दू की सब्ज़ी होती है ना, ज़्यादातर हमारे महाराष्ट्र में कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे कि गणपति का खाना हो या महालक्ष्मी का खाना हो, कद्दू की सब्ज़ी ही बनती है। हमारे विदर्भ में तो कद्दू की ही सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कद्दू की सब्ज़ी के थाली पीठ बनाते हैं, जो पराठे होते हैं ना वो बनाते हैं। बट आज कद्दू की सब्ज़ी बची ही नहीं थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी कद्दू की सब्ज़ी, तो इसी वजह से कद्दू की सब्ज़ी नहीं बची थी, तो रोटियां बची थी, तो उसके चूड़ा वगैरह हम लोगों ने बनाया और फिर वही हम लोग यहाँ पर खा रहे थे। तो आज खाना बनाना नहीं पड़ा गाइज। तो चलिए गाइज, इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आगे का कुछ शूट नहीं हो पाया क्योंकि मुझे भी अपने मायके वालों के साथ एंजॉय करना है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है उनके साथ भी। हमेशा शूट ही नहीं कर सकती हूँ ना, तो इसी वजह से चलिए इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस ब्लॉग को। अगर एंजॉय किया हो ना थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो गाइज। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय गाइज, ध्यान रखना अपना।